नमस्कार, मैं अशोक तिवारी और आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज चैनल। इस वक्त हम आप लोगों को मिलवाने जा रहे हैं लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी समिति के सदस्य हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये उप प्रमुख भी रह चुके हैं और काफ़ी ही सुंदर तरीके से अपने कार्य अपने प्रभार का जिम्मेवारी और दायित्व तो काफ़ी ही सुंदर तरीके से निभाते हैं। आइए जानते हैं, बहुत तरह के सामाजिक तथ्यों पर इनसे प्रकाश डालेंगे और काफ़ी ही सुंदर तरीके से। मैं आपको बता दूं कि लोजपा के ये उपाध्यक्ष भी हैं शायद जिला के, काफ़ी ही सुंदर तरीके से अपने पार्टी को आगे बढ़ाने में कारगर रहते हैं और एक्टिव होकर अपने पार्टी के जो जिम्मेवारी है, जो पार्टी ने इनको जिम्मेवारी दी है, उसको निभाने का काम करते हैं। स्वागत है सर आपका हमारे समृद्धि न्यूज चैनल में। जानना चाहेंगे कि क्या अभी क्या तैयारी, किस चीज़ की तैयारी चल रही है आप लोगों की? अभी लोक जनशक्ति पार्टी के हम लोग सदस्यता अभियान चला रहे हैं जी। भोजपुर जिला में हम लोग को 1 लाख टारगेट है सदस्य बनाना, और पार्टी जिस जिस विधानसभा में हम लोग फाइट करेंगे वहाँ मजबूती से काम हो रही है। लोक जनशक्ति पार्टी को मजबूत करना है और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना है, अधिक से अधिक सदस्य जोड़कर। श्री त्रिपाठी जी, जानना चाहेंगे कि अभी जो आगामी विधानसभा का चुनाव होने वाला है, क्या लगता है कि आप लोग का गठबंधन रहेगा या फिर अलग से पार्टी चुनाव लड़ेगी? अभी तो लग रहा है कि रहेगा, क्योंकि हमारे माननीय नेता और लोक जनशक्ति पार्टी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी बोल चुके हैं कि गठबंधन धर्म का पालन करेंगे। अगर सम्मानजनक सीट नहीं मिलती है तो 119 सीट को हम लोग अपना इसे तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे, चूँकि तमाम दर्शक आपको टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, बहुत सारी विफल योजनाएं जो कि लोगों के अनुसार या विपक्षी दलों के अनुसार कहने को मिल रहा है, जैसे कि 7 निश्चय योजना, चूँकि जदयू भी आपके साथ गठबंधन में है, NDA का सरकार है, तो 7 निश्चय योजना में जैसे कि लोगों से मेरे हमारी बात हुई, बहुत सारे जनप्रतिनिधियों से बात होती रहती है, तो लोगों का कहना है कि जो ये वार्ड किवानों समिति के द्वारा काम किया जा रहा है डेवलपमेंट का, वो थोड़ा सा संतुष्टजनक नहीं है, बहुत सारे जनप्रतिनिधियों का कहना है। आपका क्या कहना है, क्या लगता है इसमें कुछ सुधार होगा या सरकार प्रायोजित योजनाएं सरकार अपने निष्ठा और नियत से ठीक ही कार्य कर रही है जी। इसमें हम कोई दोषारोपण कहीं नहीं करेंगे, लेकिन त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि इसको धरातल पर उतारने में अक्षम है। सरकार को भी चाहिए कि इसको जाँच कराएं, जहाँ काम नियमानुसार नहीं हो रहा है वहाँ जाँच बैठाया जाए। हम उसकी मांग करते हैं, जनहित में कार्य अच्छा होना चाहिए, जो जो इसके लिए दोषी हो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। आप चूँकि उप प्रमुख रहे हैं तो हम थोड़ा सा वहाँ से पंचायती राज से लेना चाहेंगे, क्योंकि कोइलवर प्रखंड के आप प्रमुख रह चुके हैं जी। तो अभी भी कोइलवर प्रखंड में बहुत सारी बाधाएं प्रखंड स्तर से देखा जाए तो बाधित है, इसका क्या कारण हो सकता है, क्या बताना चाहेंगे? इसमें कमीशनखोरी ज़्यादा है, दलाल बिचौलिए से काम हो रहा है, इंदिरावास में कमीशन चल रहा है, कन्या विवाह योजना में चल रहा है, सब जगह चल रहा है, सिर्फ कोइलवर नहीं पूरे भोजपुर में ये खेल चल रहा है। आप लोगों ने कभी आवाज़ उठाई है कि नहीं इसको? हम जब थे तब तो आवाज़ क्या उठाते थे, एकदम नियमानुसार काम करते थे और किसी के चलने नहीं दिया। हम जो भी समाज के लोग हमारे आते थे, अगर हमारे ब्लॉक में पहुँच कर हमको बताते थे कि हमको ये चीज़ की कमी है, तो तत्पर होकर करवाते थे, वीडियो के चैम्बर में ले जाते थे, या जरूरत पड़े तो उनको बुलाकर अपने चैम्बर में कार्यक्रमान करते थे। उस समय इतना नहीं था, अभी तो वीडियो कोइलवर के ठीक हैं, लेकिन फिर भी वो भी त्रस्त हैं बिचौलियों से। आगामी किसी चुनाव के लिए आपकी तैयारी चल रही है? पार्टी को मजबूत करने की तैयारी है, अभी अपने बारे में तो हम नहीं सोचे हैं, जो पार्टी दायित्व देगी उसका निर्वहन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं हमारी बात हो रही है शशिकांत त्रिपाठी जी हैं, जो कि कोइलवर प्रखंड के कभी उप प्रमुख रहा किया करते थे और अभी लोजपा के उप जिलाध्यक्ष हैं, और काफ़ी ही सुंदर तरीके से उपाध्यक्ष कहा जा सकता है, काफ़ी सुंदर तरीके से अभी जैसे कि इन्होंने बताया कि प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं और निश्चित तौर से पार्टी के डेवलपमेंट को लेकर काफ़ी सुंदर तरीके से लगातार तत्पर रहते हैं, एक अच्छे जनप्रतिनिधि भी हैं और एक अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता हैं। इनका कहना है कि हमेशा हम लोगों ने बुराई के विपक्ष आवाज़ उठाई है और जहाँ भी कुछ गलत हो रहा होता है हम लोग प्रयास करते हैं कि वो ना हो, हमेशा उठाते रहे हैं और उठाते रहेंगे। और अभी जो हमारी तैयारी चल रही है, पार्टी किस तरह मजबूत हो, यदि NDA सरकार में हम लोगों का जो मांग है वो पूरा नहीं होगा, तो जैसे कि इन्होंने बताया कि 19 सीट पर हम लोग तैयारी कर रहे हैं, 119 सीट पर इन लोगों की तैयारी चल रही है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और हमारे दर्शकों को भी हमें लगता है कि बहुत अच्छा लगा होगा। अमृत दिन अशोक तिवारी, कैमरा विकास के साथ।